ज्यादा हुजूर हजरत फातिमा से प्यार करते। छोटी उम्र थी तो जनाब खतीजा, जरा अंदाज देखिएगा बेटी की मोहब्बत का। हजरत खतीजा फरमाती है, हुजूर जब घर आते ना तो दरवाजे पे खड़े होके ऊंची आवाज में फरमाते, अस्सलाम वालेकुम। कहते हुजूर ना सलाम लेते, मैं जवाब देती, अपने घर हुजूर आए हैं पर नबी पाक दरवाजे पे ही खड़े हैं। फरमाती है, खड़े रहते हुजूर, मैं फिर थोड़ा हंसती और फिर मैं कहती, फातिमा सुनती हो? अम्मा जी सुनती हूँ। फरमाया, तुम्हारे अब्बा आ गए हैं दरवाजे पे। तो फरमाती है, जनाबे फातिमा वहां से दौड़ के आती और रसूल करीम का दरवाजा खोलती, फिर नबी पाक को उंगली से पकड़ के अंदर लाती। फरमाती है, जब तक वो जाती नहीं, अल्लाह के रसूल दरवाजे पे खड़े रहते। वो उंगली पकड़ के लाती, फिर रसूल करीम उन्हें गोद में बिठा लेते। फरमाते, वो छोटी छोटी बातें पूछती और हुजूर उनके बड़े बड़े जवाब देते। वो छोटी छोटी बातें, बचपन की एक बात लिखी है हमारे मुहद्दिसीन ने, एक दिन छोटी उम्र में, बिल्कुल छोटी उम्र में, हजरत फातिमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह मैं अपने रब को कब देखूंगी? अल्लाह अकबर, उम्र छोटी और बात बड़ी कर दी, मैं कब देखूंगी? तो हुजूर ने फरमाया, फातिमा बड़ी जल्दी रब करीम तुम्हें जन्नत में ले जाएगा और सारी जन्नती औरतों की सरदार बनाएगा और फिर मेरा रब तुझे अपना दीदार भी कराएगा।